देखते रहिए यूबीएन जीरो एट छत्तीसगढ़। संपादक ओम प्रकाश नाग की रिपोर्ट कोंडा गांव से। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव ने सेवानिवृत्त हवलदार रिकेश कुमार का जोरदार किया स्वागत। दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारतीय थल सेना के डोंगरा रेजिमेंट से 20 वर्ष की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर हवलदार रिकेश कुमार फरस गांव पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव, उनके परिवारजन और फरस गांव वासियों ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। रिटायर्ड फौजी के बस स्टैंड पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ उनके परिवारजन, संगठन के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं फरस गांव के सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा तिलक आरती उतारकर एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा फरस गांव गूंज उठा। उसके बाद देशभक्ति गीतों के साथ डीजे की धुन पर मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस उनके निवास स्थान तक पहुंचा। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प बरसा कर उनका स्वागत किया। हवलदार विकेश ने कहा कि 20 साल की नौकरी में देश की सेवा करके जो सुख और आनंद की अनुभूति मिली है वह कहीं और नहीं मिल सकती। इसे सुनहरा हो और सबकी छत्र छाया में, सबके मार्गदर्शन में, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के मार्गदर्शन में मैं भी अपने देश के या अपने विकासखंड के समाज का उल्लेखनीय कार्य करना चाहता हूँ और युवाओं को अच्छा प्रेरणा स्रोत बनकर एक अच्छा समाज सेवी बनना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे पदाधिकारी सदस्य आज फरस गांव में हवलदार रिकेश कुंवर जी, जो कि भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट से 20 वर्ष का सेवानिवृत्त होकर आज आए हैं और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे सदस्य, फरस गांव के जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, उनके परिवार के सारे रिश्तेदार और आसपास के सभी जनगणमान्य नागरिक सभी ने मिलकर इनका स्वागत किया और हम उनके और सिविल लाइफ के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तरफ से उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। वो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपने सिविल लाइफ को जिए और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हर समय उनके कोई भी कार्य, चाहे घर के पारिवारिक प्रॉब्लम हो, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कोंडागांव 24 घंटा 365 दिन उनके साथ खड़ा है। जब किसी चीज की जरूरत होगी हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। थैंक यू। पावन धरा पर, फरस गांव की पावन धरा पर सबसे पहले श्रीमत रिकेश कुंवर जी की धर्मपत्नी, उनका स्वागत सम्मान फूल हार के साथ, उनके बाद उनके परिवार के माता पिता और उपरांत अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तमाम सदस्य उनके स्वागत में से 20 साल सर्विस पूरी करके अपने गृहग्राम, अपने पैतृक गांव, अपनी जन्मभूमि पर वापस आए।